आने में मैं एक महीने से प्लान कर रही थी, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था थोड़ा। मैंने सोचा नहीं, इस बार एक बार आप लोग के साथ, सबके साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है। क्यों कोई आपको डायरेक्शन देने नहीं आई हूँ मैं, आपसे बस बात करने आई हूँ। आपको कुछ भी पूछना है आप खुल के पूछो, हम लोग से जैसा होगा हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है मैम, SST मतलब IPS में मुझे एग्ज़ाम देना है, तो आप मुझे थोड़ा बहुत गाइड बोले कि मैं कैसे अपना वो एग्ज़ाम जो मतलब क्लियर करूँगी, कैसे मतलब मुझे कैसे आगे करनी। कितने लोग मैडम की तरह बनना चाहते हैं वो बताओ, वर्दी कौन लगाना चाहते हैं। मैं UPSC तो मतलब मैं IPS के लिए बताऊँगी आप लोग। चलो मैं बताती हूँ अभी आप लोग को। अब बैठ जाओ बैठ, अभी से सोचे हो कि आपको UPSC देना है। मैंने तो बहुत लेट से सोचा था, तो ये बहुत राइट टाइम है कि आप लोगों ने सोचा आगे क्या पढ़ना है और क्या एग्ज़ाम करनी है UPSC में, कि आपको ये सब्जेक्ट होना चाहिए या इतने नंबर्स आने चाहिए। आपकी मर्जी से आप ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट लेना है लो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ो, लेकिन साइड बाई साइड UPSC के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, ठीक है, करंट अफेयर्स देखना शुरू करो, बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री इंडिया की वर्ल्ड की आपको पूरी पता होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई नहीं है कि आपको बेवकूफ़ बना सके। ठीक है, आप सारे पढ़े लिखे होने चाहिए, आप सबको एक्चुअल जो फैक्ट है वो पता होना चाहिए, कोई भी ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं होना चाहिए। तो हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स, ये सब बेसिक चीज़ें जो है ना देश के बारे में, दुनिया के बारे में, सबके बारे में जानो। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो अच्छे वाले ब्रांड्स के। अगर आप इंग्लिश से दे रहे हो एग्ज़ाम, तो हिंदू पढ़ो, एक्सप्रेस पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस, अभी से पढ़ना शुरू करो। इंटरनेट सारे यूज करते हैं यहाँ पे, क्या चीज़ के लिए यूज करते हो इंटरनेट? यूज करते हो स्टडी के लिए, स्टडीज के लिए यूज करते हो, तो बहुत अच्छी बात है स्टडीज के लिए यूज करते हो तो। लेकिन इंटरनेट ऐसी मतलब पावरफुल चीज़ है ना, कि आपको घर बैठे बैठे सब चीज़ के बारे में पता चलेगा, तो उसका वैसे ही यूज करना है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, ताकि आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आए वो इंटरनेट से आए। इंटरनेट का वैसे यूज़ करना है आप लोग को, आप पॉजिटिव यूज़ करो तो आपको पक्का उससे पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलेगा, नेगेटिव यूज़ करोगे तो उससे नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, दुनिया का वो दस्तूर है, आप अगर पॉजिटिव स्टार्टिंग में होगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इंटरनेट का वो यूज़ करना है। न्यूज़पेपर पढ़ो, बेसिक बुक्स पढ़ो, NCERT के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होगा कि आगे जब आपको UPSC देने की बारी आएगी तो आपको लगेगा यार क्या बोलते थे लोग, इतनी हार्ड एग्जाम है, ये तो मुझे सब पता है। ठीक है, तो उस लेवल पे आपके पास ग्रेजुएशन करने तक चार साल है, तो आप अभी से अपना फाउंडेशन बनाओ तो पक्का आपको जो भी एम है, जो ड्रीम है आपका, ज़रूर मिलेगा। आपने हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सप्लायर्स हैं, जितने एक्चुअली बेचते हैं, हम उनको अंदर कर सकें, पर ड्रग्स का देखो ऐसा प्रॉब्लम है कि जो एडिक्ट्स होते हैं उनको रोज पैसा चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है जो बेच रहा है वो बहुत बड़ा सप्लायर होगा कहीं से, वो अपने वो कहीं से 2 ग्राम लेके आएगा, एक खुद लेगा, एक किसी और को बेचेगा, तो ये एक चेन सिस्टम चलता है, तो ये चेन हमें ब्रेक करनी है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको सही करना चाहूँगी कि शोपिया का पर्सपेक्टिव जो अभी नेगेटिव में नहीं जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जा रहा है, और इन लड़कियों से मुझे फील मिल करके ये फील हुआ है कि हमारा फ्यूचर पक्का बहुत ब्राइट है, और इनकी एनर्जी और इनकी पॉजिटिविटी आई थिंक सोसाइटी में भी जाएगी, और लड़कियों को हमें सपोर्ट करना है। आज हम लोग, मैं आई यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों के साथ जस्ट इंटरेक्ट करने के लिए, इनसे फ्यूचर की बातें करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने खुल के कॉन्फिडेंटली हम लोग से क्वेश्चन पूछा है और फ्यूचर के बारे में बातें की हैं, तो आई होप कि ये आगे भी हम लोग करेंगे। पुलिस, वी विल ट्राई टू गिव देम ऑल द सपोर्ट एंड गाइडेंस जो भी इनको चाहिए। मैं प्रिंसिपल इनकी बोलूँगी कि आप अटेंड ये क्लासेस कुछ करवाएं अरेंज, वी विल कम, जो UPSC के हम, मैं खुद आऊँगी, हमारे DSPs आएंगे, एंड अगर हमें ऐसा लगता है कि इन्हों कोचिंग की ज़रूरत है तो वी विल ट्राई कि हमको अच्छे टीचर्स भी इनको लेकर के आए जो इनको स्टार्टिंग में गाइडेंस दे। स्टार्टिंग अभी तो ये 12th क्लास में है, इनके पास बहुत टाइम है, लेकिन हाँ ये अच्छा टाइम है स्टार्ट करने के लिए पढ़ाई, तो हमारी वही हेल्प रहेगी इन चीज़ों।